कक्षा षष्ठी विषय विज्ञान पाठ दो भोजन और घटक। हमने पिछले वीडियो के अंदर भोजन के बारे में पढ़ा और भोजन के जो घटक होते हैं उसके बारे में भी पढ़ा, यानी पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा। घटक कौन से थे? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल और वृक्षांश, उनके बारे में हमने अध्ययन किया और वो हमें कैसे प्राप्त होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं तथा उनसे हमें कौन कौन सी ऊर्जाएँ प्राप्त होती है, उसके बारे में हमने कुछ पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि संतुलित आहार क्या है। संतुलित एकदम सही है, इक्वल बराबर आहार जो हम भोजन काम में लेते हैं। हमारे आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो और ना ही उनकी मात्रा अधिक हो ना ही उनकी मात्रा कम हो, तो उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। यानी हमारे जो भोजन करते हैं उस भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन तथा जल और वृक्षांश की मात्रा बराबर हो, ना तो उनकी मात्रा अधिक हो ना ही उनकी मात्रा कम हो, तो उस भोजन को हम क्या कहेंगे? संतुलित आहार। यदि उसी के अंदर किसी की मात्रा बढ़ जाए या कम हो जाए तो हमारे अंदर अनेक प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हो सकती है और वो कारण संतुलित आहार न मिलने का है। हमें पता है कि ज़रूरी नहीं है सबको संतुलित आहार मिलता है। देश में बहुत सारी ऐसी प्रतिशत जनसंख्या है जिसे संतुलित आहार नहीं मिल पाता, एक समय में एक ही चीज़ मिलती है या कहीं नहीं मिल पाती। अब संतुलित आहार में से जैसे हम किसी भोजन को खाते हैं तो उसे हम पकाते हैं, पकाना इसलिए पकाते ताकि उसका स्वाद ज़्यादा बढ़ जाए और वो हमारे खाने के लिए आसान हो और पचाने के लिए भी आसान हो। उसी में से कुछ ऐसी सब्जियां और फल होते हैं जिन्हें हम छील करके धोए तो उनमें से कुछ विटामिन और प्रोटीन्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, तो इसे ध्यान से धोकर रखना चाहिए। फिर है कि कुछ ऐसे फल होते हैं जिनके छिलकों के अंदर ही विटामिन और प्रोटीन पाए जाते हैं, वो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, उन्हें लेना चाहिए। और जब भोजन को हम पकाते हैं तो इसमें से विटामिन सी आसानी से गर्मी के कारण हट जाता है या फिर वो ख़त्म हो जाता है, जिसके लिए हमें कुछ अलग से फलों को और कच्चे फलों और सब्जियों को भी भोजन के अंदर लेना चाहिए, जिसके लिए हमारा आहार क्या हो? संतुलित हो। संतुलित आहार तो हमने पढ़ लिया क्या है, और एक होता है असंतुलित आहार, यानी उसी भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनमें से किसी एक तत्व की कमी होने के कारण, किसी भी एक तत्व की कमी हुई या एक से अधिक तत्वों की कमी हुई तो हम उस आहार को संतुलित आहार कहते हैं। जिस प्रकार कि हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था कि एक कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा वसा से हमें शक्ति ज़्यादा प्राप्त होती है, तो ऐसे करते हैं कि एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट और एक कटोरी वसा है, तो हम कार्बोहाइड्रेट लेने की बजाय वसा लेते हैं तो ज़्यादा हमें शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन ऐसा करने से हमारे लिए एक हानि उत्पन्न होती है। और उसकी वजह से, क्योंकि हमने जितनी वसा को ग्रहण किया है यदि हम उसका पाचन नहीं करेंगे, शारीरिक कार्य नहीं करेंगे, तो वो पचेगी नहीं, और पचेगी नहीं तो हमारे शरीर में फैट के रूप में, वसा के रूप में जमा होगी, और जब वो जमा होगी तो एक प्रकार की हानिकारक रोग प्रकार का मोटापा बढ़ेगी और मोटापे के अंदर अनेकों प्रकार की बीमारियाँ होती है। तो इसी के लिए एक है कि अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। यदि हमारे भोजन के अंदर वसा की मात्रा अत्यधिक है, जैसे हमने पूरी तली हुई चीज़ें खा ली या फिर घी, मक्खन जो भी मिला हमने उससे ज़्यादा को दूध, पनीर, वो चीज़ प्रोडक्ट ज़्यादा लिए हैं, तो हमारे अंदर मोटापा बढ़ेगा, ये नॉर्मल सी बात है। अब हमने ये तो पढ़ लिया संतुलित आहार क्या है, असंतुलित आहार क्या है, भोजन के घटक क्या है, उनके बारे में पढ़ लिया। अब हमारे पास एक टॉपिक आएगा अभावजन्य रोग। अभावजन्य, अभाव के कारण उत्पन्न होने वाला रोग हम अभावजन्य रोग कहेंगे। यदि हमारे भोजन के अंदर किसी भी पोषक तत्व की कमी होगी तो हमारे अंदर कोई रोग या विकृति उत्पन्न होगी और उसी को हम अभावजन्य रोग कहते हैं। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियाँ उत्पन्न कर सकता है। यदि हमारे शरीर में एक या एक से अधिक जो भी पोषक तत्व उनकी कमी हुई तो हमारे शरीर में रोग या विकृति उत्पन्न हो सकती है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक के अभाव के कारण होते हैं उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। और ऐसे रोग जो हमारे शरीर के अंदर है वो पोषक तत्व बहुत लगातार अवधि से, बहुत ज़्यादा समय से वो हमारे हमें नहीं मिल पा रहा है, तो इससे हमारे रोग हो सकता है। इसी प्रकार यदि हमारे शरीर में प्रोटीन नहीं मिल रहा है तो बालों का रंग कम होना या हमारे शरीर में वृद्धि रुकना, ये सारे कार्य होते हैं। वैसे कार्बोहाइड्रेट और उनसे नहीं मिलना तो हमारी शक्ति कम क्षीण हो जाती है और हमारी वृद्धि के अंदर भी कमी आती है।
हमने प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ा। अब हम उनमें से विटामिन तथा खनिज लवणों की कमी से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, इन्हें बाहर से लेना ही होता है। चाहे विटामिन हमें सूक्ष्म मात्रा में लेने की और ज़्यादा होती है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा विटामिन हमारे शरीर में लेने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लेने से भी रोग होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है विटामिन ए, फिर है अभावजन्य रोग। विटामिन ए की कमी से हमारे कौन सा रोग होता है? क्षीणता दृष्टिहीनता। क्षीणता दृष्टिहीनता का एक नाम है रतौंधी। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, और उसकी जो अभावजन्य रोग होता है वो होता है रतौंधी। रतौंधी का अर्थ क्या है कि लक्षण है कमजोर दृष्टि। हमारी जो देखने की जो दृष्टि है वो कमजोर होती है और अंधेरे में कम दिखाई देता है, अंधेरे यानी रात में कम दिखाई देता है, जिसे मारवाड़ी भाषा में रातिना बोलते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा दिखाई देना भी बंद हो जाता है। किसके कारण? विटामिन ए की कमी के कारण। अब है विटामिन बी वन। विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, जिसके लक्षण है दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। हमारी जो पेशियां होती है वो दुर्बल होती है, ज़्यादा मजबूत नहीं होती, और हमारी जो काम करने की शक्ति है जो ज़्यादा करते ही हम थकने लगते हैं वो होता है। फिर है विटामिन सी, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग के लक्षण है मसूड़े के अंदर खून आना तथा हमारे जो घाव होते हैं उनको भरने में समय अधिक लेना। जैसे घाव 4 या 5 दिन, जितना जैसे जिस प्रकार घाव है उसका उतना ही समय लगता है, लेकिन जिसके यदि विटामिन सी की कमी है तो उसके घाव भरने में ज़्यादा समय लगेगा। उसके बाद है विटामिन डी। विटामिन डी रिकेटस, इससे अस्थियों का मुलायम होकर मुरझाना होता है। यानी विटामिन डी की जो कमी होती है तो जो हमारी अस्थियां का अर्थ होता है हड्डियां, वो मुड़ करके एक प्रकार मुलायम होकर के मुड़ जाती है। फिर है कैल्शियम। हमें पता है कि हमारी जो हड्डियां बनी होती है वो कैल्शियम की बनी होती है, और कैल्शियम अब क्या है? खनिज लवण। इतनी देर हमने विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ा, अब हम खनिज लवणों की कमी से होने वाले रोगों के बारे में भी जानते हैं। कैल्शियम एक प्रकार का खनिज लवण है जो एक प्रकार की हड्डियां और दांत बनाने का हमारे शरीर में कार्य करता है। यानी कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंत क्षय मतलब है दांतों का क्षय होना, क्षय का मतलब नष्ट होना, और इसके रोग भी यही है, कमजोर अस्थियां और दंत क्षय। यानी जो हमारी हड्डियां हैं वो जल्दी से कमज़ोर हो जाती है, और उन पर थोड़ा ज़्यादा ही भार पड़ने या कुछ ऐसा ही एक्सरसाइज करने से हड्डियाँ जल्दी टूट जाती है। उसके बाद है लोहा। लोहा भी एक प्रकार का खनिज लवण है, जिससे होने वाला रोग होता है अरक्तता, जिसका है एनीमिया। एनीमिया रोग होता है जिसमें हमारे कहते हैं खून की कमी हो गई, वो लोहे तत्व के कारण होता है, और उससे रोग लक्षण होता है कमजोरी, हमारे शरीर में ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है। उसके बाद है एक आयोडीन। आयोडीन भी खनिज लवण है, ये नमक के अंदर में प्राप्त होता है, और इसकी कमी से घेंगा या गोइटर रोग या फिर गलगन रोग हो जाता है, जिसके लक्षण है गर्दन की ग्रंथि फूल जाना। गर्दन की जो ग्रंथि है वो फूल करके बड़ी हो जाती है, तथा बच्चों की मानसिक विकलांगता है, और बच्चों के अंदर मानसिक विकलांगता उत्पन्न हो जाती है, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता क्षीण हो जाती है।